दोस्तों YouTube पर 99% यूट्यूबर अपने चैनल पर बार बार एक गलती करते रहता है जिसके कारण उसके वीडियोस पर व्यूज नहीं आता है, उसका वीडियो रैंक नहीं करता है, ना ही YouTube सर्च में जाता है। अब दोस्तों अगर मैं आपको अपने वीडियो दिखाऊं तो मेरा वीडियो देखिए, आज से 5 दिन पहले मैंने इस वीडियो को अपलोड किया हूं, तो इस वीडियो का देखो मेरा सारा टैक्स यहां पर रैंक कर रहा है। कोई टैक्स 1 नंबर पर रैंक कर रहा है, कोई टैक्स 2 नंबर पर रैंक कर रहा है, कोई 4 नंबर, कोई 5 नंबर, तो इस प्रकार से मेरे सारा टैक्स ही रैंक कर रहा है, जबकि इस वीडियो को मैंने आज से 5 दिन पहले अपलोड किया हूं। और यहां पर देखिए एक वीडियो नहीं, इस वीडियो को मैंने कल अपलोड किया हूं, तो इसका भी टैक्स यहां पर देख सकते हो, इसका भी सारा टैक्स रैंक करना स्टार्ट हो चुका है। कोई टैक्स 1 नंबर में रैंक कर रहा है, कोई 2 नंबर में, कोई 3 नंबर में, देखते हैं यहां पर। और बाकी कोई टैक्स अभी रैंक जो नहीं कर रहा है, अगर मैं कल या फिर परसों इस वीडियो को ओपन करूंगा तो वो सारा टैक्स रैंक करता हुआ दिखाई देगा आपको गारंटी के साथ। क्योंकि दोस्तों मैं अपने वीडियो में कुछ ऐसा सीक्रेट यूज करता हूं जो कि वीडियो अपलोडिंग के बाद भी उसमें कुछ किया जाता है। दोस्तों आप लोग क्या करते हो, आप लोग यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हो, बाकी दोस्तों आप लोग कुछ टाइम तक वेट करते हो, 12 घंटा हो गया, 15 घंटा हो गया, या फिर एक दिन तक वेट करते हो, अपने वीडियो को बार बार YT स्टूडियो ऐप में ओपन करके देखते हो और देखते हो मेरे वीडियो पर व्यूज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। बाकी दोस्तों उसके बाद अपने वीडियो से आप पूरा ध्यान हटा देते हो, उस वीडियो पर ध्यान निकाल ही देते हो, बाकी अपना नया वीडियो क्रिएट करते हो, फिर वीडियो अपलोड करते हो। तो ऐसा क्यों करते हो दोस्तों, आप जब भी वीडियो YouTube पर अपलोड कर रहे हो तो अगर आपका वीडियो 12 घंटे के भीतर अगर रैंक नहीं कर रहा है, 24 घंटे के भीतर अगर रैंक नहीं कर रहा है, तो उस पर और कुछ एडवांस काम करो, फिल्टर करो अपने वीडियोस को। दोस्तों मैं अपने वीडियोस को जब भी पहले देखता हूं, जब भी अपलोड करता हूं, उसके बाद 12 घंटे तक पहले देखता हूं कि मेरे वीडियोस पर व्यूज आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, क्या मेरे वीडियो यूट्यूब सर्च में जा रहा है, क्या मेरा वीडियो रैंक कर रहा है कि नहीं रैंक कर रहा है। अगर नहीं रैंक कर रहा है तो उसमें कुछ चेंजमेंट करो, कुछ फिल्टर करो उसको। अगर आप करेंगे नहीं तो आपका वीडियोस रैंक कहां से करेगा। अब मेरे वीडियो देखिए, मैंने आज से 5 दिन पहले वाला वीडियो आपको दिखाया जो कि सारा टैक्स रैंक कर रहा है और कोई टैक्स नंबर 1 पर रैंक कर रहा है, बहुत सारा टैक्स। और उस वीडियो के साथ साथ मैंने आज से 2 दिन पहले भी जो वीडियो अपलोड किया हूं वो भी मेरा सारा टैक्स रैंक कर रहा है, तो क्यों कर रहा है। और मेरे बहुत सारे वीडियोस अगर मैं अपना YT स्टूडियो ऐप ओपन करके दिखाऊंगा तो देखो मेरे बहुत सारे वीडियोस अभी YouTube सर्च में रैंक कर रहा है, बहुत सारे वीडियोस पर अच्छा खासा व्यूज आ रहा है 48 आवर्स के भीतर। अगर मैं अपने चैनल का पूरा अगर आपको 48 आवर्स का व्यूज दिखाऊंगा तो यहां पर देखो 1,60,000 से ऊपर व्यूज आ रहा है 48 आवर्स के भीतर। और मेरा जो वीडियोस आपको दिखाया जो कि टैक्स रैंक कर रहा है, अगर उस वीडियोस का व्यूज दिखाऊं केवल तो देखते हो यहाँ पे 22,000 से प्लस व्यूज आ रहा है, सिर्फ एक वीडियो से व्यूज आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं अपने वीडियोस पर कुछ ऐसा काम करता हूं जिसके बाद मेरा वीडियो फिर से रैंक करना स्टार्ट हो जाता है। अगर वो वीडियो रैंक नहीं करता है तो बाद में फिर से मेरा रैंक कर जाता है, जिसके बाद उस वीडियोस पर भरपूर व्यूज आता है। और इस वीडियोस पर देखो यहां पर आज से 5 दिन पहले वाले वीडियो है, 22,000 व्यूज आ रहा है 48 आवर्स के भीतर। और प्लस में दोस्तों यहां पर अगर इस वीडियोस का अगर ट्रैफिक सोर्स दिखाऊं अगर आपको, तो देखते हैं टोटल यूट्यूब सर्च, यहां पर देखते हैं टोटल यूट्यूब सर्च आपको ज्यादातर देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा टैक्स रैंक कर रहे हैं तो यूट्यूब सर्च से वो व्यूज आएगा, तो देखते हैं मेरा व्यूज कहां से आ रहा है, यूट्यूब सर्च से। तो दोस्तों आखिर मैं अपने वीडियोस को कैसे रैंक करा लेता हूं। अब दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी वीडियो इस प्रकार से रैंक करे और दूसरे दिन आपके वीडियोस पर व्यूज आए, तो इस वीडियो को अगर आप स्किप नहीं करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आपका वीडियो फिर 12 घंटे के बाद दोबारा रैंक करेगा। अब देखिए मैं अपने वीडियोस को कैसे रैंक कराता हूं, आप भी इस प्रकार से अपने वीडियोस को रैंक करा सकते हो। तो पहले हम यहां पर यह जानते हैं कि आखिर इस प्रकार से, जैसे कि मैं आपको दिखाया जो कि मैं अपने टैग्स को रैंक करते हुए आपको चेक करके दिखाया, तो इस प्रकार से अपने टैग्स को चेक कैसे करेंगे कि आपका टैग्स रैंक कर रहा है कि नहीं रैंक कर रहा है, आपका वीडियो रैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा, आखिर अपने वीडियोस को फिल्टर कैसे करेंगे। तो पहले आपको अपने मोबाइल में यहां पर देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर अगर आपको दिखाऊं तो देखो यहां पर ट्यूब बडी एप्लीकेशन ओपन करता हूं, तो ट्यूब बडी एप्लीकेशन होता है यूट्यूबर के लिए वरदान है, पहले आपको बताता हूं, बहुत ज्यादा काम करता है। तो ट्यूब बडी एप्लीकेशन में पहले आप ये काम करना है, जब भी अपने वीडियोस को अपलोड कर दो, वीडियो अपलोड करने के बाद आपको 12 घंटे के बाद अपने ट्यूब बडी एप्लीकेशन में निकालना उस वीडियोस को। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं यहां पर देखिए, अगर आपको पहले मैं आपको जिस प्रकार से दिखाया 5 दिन पहले, तो ये वीडियो मैंने आज से 5 दिन पहले अपलोड किया था ये वाली वीडियो। तो इस वीडियो का अगर मैं आपको टैक्स दिखाऊं, यहां पर देखो इस वीडियो का टैक्स अगर आपको दिखाऊं तो देखो यहां पर सारा टैक्स यहां पर रैंक कर रहा है। क्यों कर रहा है, अब इस वीडियो का टैग रैंक कर रहा है। अब यहां पर मैं आपको सेकंड वीडियो दिखाता हूं जो कि 2 दिन पहले अपलोड किया हूं ये वाली वीडियो, तो इस वीडियो का भी टैक्स जो होता है यहां पर देखिए रैंक कर रहा है, सारा टैक्स रैंक कर रहा है, देखते हैं सारा टैक्स रैंक कर रहा है। बाकी कुछ टैक्स जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहां पर देखते हैं ये सारा टैक्स रैंक नहीं कर रहा है, तो ये भी टैक्स रैंक करेगा। परसों अगर इस वीडियो को निकालता हूं, कल निकालता हूं, तो ये भी टैक्स रैंक करेगा, क्योंकि इसको भी मैं रैंक करा लूंगा फिल्टर करके। तो इस प्रकार से कुछ मैं अपने वीडियोस पर कुछ काम करता हूं जिसके बाद मेरे वीडियोस रैंक करता है, मेरे वीडियोस पर व्यूज आता है और मेरे सारे वीडियोस पर ज्यादा व्यूज इसलिए आपको देखने को मिलता है। तो आपको वो सीक्रेट बताऊंगा इस वीडियोस में जो कि आप अपने वीडियोस पर कैसे ज्यादा व्यूज ला सकते हैं।
ठीक है, आपको सारा चीज डिटेल में बताऊंगा, जो कि मैं अपने वीडियोस को कैसे फिल्टर करता हूं, बाद में कैसे क्या काम करता हूं जिसके बाद मेरे वीडियोस पर व्यूज आता है। तो इस वीडियो में आपको सारा चीज देखने को मिलेगा, सारा चीज सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो स्किप नहीं करते हैं तो आज के बाद आप भी अपने वीडियोस को दोबारा रैंक कराना सीख जाएंगे, अपने वीडियोस पर व्यूज लाना सीख जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल का यहाँ पे विनर देख सकते हैं, तो इस भाई का चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में कर दिया हूँ एंड अपना कम्युनिटी पोस्ट में एंड अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो जाके पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इसके चैनल को सपोर्ट करो। और दोस्तों नेक्स्ट टाइम अगर आप विनर चाहते हैं, अपने चैनल को प्रमोशन करवाना चाहते हैं, आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको प्यारा सा कमेंट कर देना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टाइम अगर आप विनर आते हैं तो आपका चैनल का लिंक मैं एक साथ तीनों जगह प्रमोशन कर दूंगा। और दोस्तों मैं बार बार अपने वीडियोस में देखता हूं कि विनर वही लोग आते हैं जो कि मेरे वीडियोस को ज्यादा देखता है, ज्यादा वॉच टाइम मेरे वीडियोस पर जो देता है तो वही विनर आता है, मैं बहुत बार चेक किया हूं। तो दोस्तों वीडियो को अगर आप पूरा देख कर जाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि हो सकता है कि अगला विनर आ पाएंगे। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। अब दोस्तों मैं चलिए आपको दिखाता हूं जो कि आखिर मैं अपने वीडियोस को फिल्टर कैसे करता हूं जिसके बाद मेरा टैक्स रैंक करता है। अब दोस्तों यहां पर देखिए मैं अपने YT स्टूडियो ऐप को ओपन कर लिया हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप जब भी YouTube पर वीडियो अपलोड कर देते हो, अपलोड करने के बाद आपको पहले 12 घंटा तक वेट करना है, देखना आपका वीडियो रैंक कर जाता है, ठीक है। नहीं रैंक करता तो उसमें आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो आपको काम बताने वाला हूं, जो फिल्टर करके आपको दिखाने वाला हूं, ये फिल्टर आपका 12 घंटे के बाद ही होगा। 12 घंटा से पहले आप करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, इसका रीजन आपको बताऊंगा वीडियो में आगे, आपको पता चल जाएगा कि 12 घंटे के पहले आप ये काम नहीं कर सकते अपने वीडियोस पर। तो आपको क्या करना है, वीडियो अपलोड करना है, 12 घंटा तक वेट करना है, व्यूज अगर आपका आ रहा है तो ठीक है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। अगर व्यूज नहीं आ रहा है तो 12 घंटे के बाद अपने वीडियोस पर एक काम करना है, वो काम क्या करना है, वीडियो मान लीजिए दोस्तों देखते हैं, इस वीडियो को मैंने 6 घंटा पहले अपलोड किया हूं, यहां पर देखते हैं 6 घंटा पहले, तो इस वीडियो पर आपको काम नहीं करना है। अब मेरा जो सेकेंड वीडियो है यहां पर देखते हैं 1 दिन पहले अपलोड किया हूं इस वीडियोस को, तो इस वीडियोस का आपको टैक्स निकाल करके दिखाया हूं जो कि आधा टैक्स रैंक कर रहा है, कुछ कुछ टैक्स नहीं रैंक कर रहा है। और जैसे कि मैं आपको बताया जो कि नेक्स्ट दिन अगर ओपन करूंगा तो वो सारा टैक्स रैंक करना वहां पर स्टार्ट हो जाएगा मेरा। तो आखिर इसमें क्या काम करूंगा, अब ये 12 घंटा हो चुका है, इसमें कुछ टैक्स रैंक नहीं कर रहा है। तो यहां पर दोस्तों देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले इस वीडियोस को मैं ओपन कर लेता हूं, तो वीडियो यहां पर देखते हैं ओपन मैंने कर लिया हूं। अब इस वीडियोस को आपको पहले अपना ट्यूब बडी ऐप में ओपन करना है, यहां पर देखते हैं ट्यूब बडी ऐप में, तो वही वीडियो देखते हैं यहां पर, यही वीडियो को मैंने आपको जैसे कि वहां पर दिखाया, ये वाली है सब्सक्राइबर वाली, और यही वीडियो है यहां पर भी देखते हैं, यहां पर भी आपको दिखाता हूं, यहां पर भी सेम वीडियो है। तो इसी वीडियोस को मैं ट्यूब बडी एप्लीकेशन में ओपन करके यहां पर पहले आपको क्या करना है ये देखना है, यहां पर आपको टैक्स वाला जो सेक्शन मिलता है यहां पर देखते हैं इस पर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर यह देखना है, देखते हैं यहां पर कि आपका कौन कौन सा टैक्स रैंक कर रहा है, कितने नंबर पर रैंक कर रहा है, यानी कि दोस्तों यूट्यूब पर कोई सर्च करेगा 1000 सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं तो मेरा वीडियो 9 नंबर पर दिखेगा। तो इस प्रकार से सारा चीज यहां पर देखने को मिलता है, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है इस प्रकार से ये सारा आपको दर्शाता है जो कि आपका वीडियो कितना नंबर में शो करेगा। तो पहले आपको चेक करना है अगर आपका वीडियो कोई भी टैक्स पर रैंक नहीं कर रहा है, तो यहां पर दोस्तों देखते हैं जैसे कि मेरा यहां पर देखते हैं आपको जो दिखाता हूं 3 टैक्स देखते हैं यहां पर रैंक नहीं कर रहा है। तो आपके वीडियोस पर हो सकता है कि सारा टैक्स ही रैंक नहीं कर रहा हो, कोई भी टैक्स रैंक नहीं कर रहा है, तो आपको यहां पर अपने सारा टैक्स को डिलीट कर देना है, सारा टैक्स रिमूव कर देना है। अब दोस्तों मान लीजिए मेरे केस में यहां पर देख सकते हैं 3 टैक्स रैंक नहीं कर रहा है, मेरे वीडियोस पर सिर्फ 3 टैग रैंक नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा इन तीनों टैक्स को यहां पर रिमूव करूंगा, ये जो आपको तीनों टैक्स दिख रहा है इनको रिमूव करूंगा, बाकी इसको भी रिमूव करूंगा, ये भी रैंक नहीं कर रहा है। और इन टैक्स को आपको रिमूव कर देना है या फिर अपना सारा टैक्स को रिमूव कर देना है अगर आपका सारा रैंक नहीं कर रहा है तो। बाकी दोस्तों आपको उसके बाद आपको अपना उस वीडियोस को निकालना है, और वीडियो को निकालने के बाद दोस्तों यहां पर आपको गो टू एनालाइज पर क्लिक करना है, और आपको 12 घंटे के बाद ये काम करना है। 12 घंटे के बाद आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा, वो फीचर यहां पर देखिए, आपको दोस्तों यहां पर जाना है सिंपली, यहां पर देखते हैं जैसे कि देखते हैं यहां पर YouTube रिकमेंडेशन अच्छा खासा व्यूज आ रहा था लेकिन कुछ टैक्स अभी भी रैंक नहीं कर रहा है। यहां पर आपको जाना है रीच वाले ऑप्शन पर, और रीच वाले ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों यहां पर जो आपको एक चीज दिखता है टॉप यूट्यूब सर्च में, यहाँ पर टॉप यूट्यूब सर्च टर्म जो आपको दिखता है ये वाली, तो इस पर आपको क्या करना है क्लिक कर लेना है, फुल क्लिक कर देना है। बाकी दोस्तों आपका वीडियो आप जो टैक्स डालें अपने वीडियोस पर, तो वो टैक्स हो सकता है कि आपके वीडियो साथ मैच नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो वहां से आपको अपना टैक्स रिमूव कर देना है। बाकी दोस्तों यहां पर आपको जो टैक्स दिखाई दे रहा है, ये सारा जो टैक्स दिखाई दे रहा है, तो ये सारे टैक्स आपके वीडियो के हिसाब से सही है, और इन सारे टैक्स पर कहीं ना कहीं आपका वीडियो रैंक कर रहा है, चाहे नीचे कर रहा है या फिर ऊपर कर रहा है लेकिन रैंक कर रहा है। तो आपको क्या करना है अपने वीडियोस पर इन सारा टैक्स को ही ऐड कर देना है, पुराने टैक्स को रिमूव कर देना है, इन सारा टैक्स को ऐड कर देना है।
और हो सके तो अपने डिस्क्रिप्शन में योर क्यूरियस देकर कुछ टैक्स को वहां पर दे दो, सेम यही टैक्स को। बाकी दोस्तों आप उसके बाद ये काम करने के बाद आप 6 घंटा या फिर 12 घंटा का वेट करो, देखना आपका भी टैक्स रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा और आपके वीडियोस पर व्यू जाना स्टार्ट हो जाएगा। पर्सनली मैं बहुत सारे वीडियोस पर यह काम किया और मेरे वीडियोस पर अच्छा खासा रिजल्ट मुझे देखने को मिला है। दोस्तों इस प्रकार से मैं अपने वीडियोस को फिल्टर करता हूं 12 घंटे के बाद, आप भी ट्राई करो, 100% आपका व्यूज बढ़ेगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि वीडियो में आपको कुछ अच्छा चीज सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।